For complete courses, visit our website myintracademy.com. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notified for our future updates. Hi guys, this is Murtaza from My Inter Academy और आज इस पहली वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सम अमेजिंग फीचर्स ऑफ द न्यूएस्ट मॉडल ऑफ द कैसियो कैलकुलेटर विच इज FX991EX ClassWiz. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहां पे आपके सामने कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर डिस्प्ले हो रहा होगा. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं यहां पे आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा. अगर आप इस कैलकुलेटर को देखें तो यहां पे आपके पास एक बटन है मेन्यू का. ओके, अगर आप इसको प्रेस करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं. ऑप्शन नंबर 1 है कैलकुलेट, ऑप्शन नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स, और आप दूसरे ऑप्शन पे कैसे जाएंगे, सिंपली आप इस एरो की को प्रेस करें. देन आपके पास है बेस एन, देन मैट्रिक्स, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेडशीट, टेबल, इक्वेशन या फंक्शन, इनइक्वालिटी और रेशो. इसका मतलब यह है कि ये कैलकुलेटर आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है. सो कीपिंग इट सिंपल, हम करेंगे क्या कि आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमारा जो मेन एम्फेसाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा कि जब हम अपने कैलकुलेटर को कैलकुलेट मोड पे सेट रखेंगे. ओके, तो हमने कैलकुलेटर को कैलकुलेट मोड पे सेट कर लिया है और इसको आपने सेलेक्ट करने के लिए या तो आप इक्वल टू का बटन दबाए विच एक्स एस अ एंटर बटन, या आप सिंपल क्या करें वन प्रेस कर लें. ओके, सो यहां पे आपके पास जो सबसे पहला फीचर है वो है आपके पास यूनिट कन्वर्जन. ओके, तो चले हम इसको लिख लेते हैं. सो नंबर 1 फीचर है आपके पास यूनिट कन्वर्जन. ओके, एंड दिस कैलकुलेटर हैज अ टोटल ऑफ 40 मीट्रिक कन्वर्जन. हम यहां पे लिख सकते हैं कि इट हैज 40 मीट्रिक कन्वर्जेंस. ओके, सो इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो चलें वापस से कैलकुलेटर पे आ जाते हैं. सो अगेन आपके स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर डिस्प्ले हो रहा होगा. ओके, अच्छा, यहां पे अगर आपको कन्वर्जन देखना है तो आपने करना क्या होगा, आप यहां पे देखें 8 के ऊपर ऑरेंज कलर का, येलो कलर का लिखा हुआ है CONV. सो CONV कन्वर्जन का शॉर्ट फॉर्म है. और यहाँ पे एक बात ये होती है कि अगर आपने इसको प्रेस करना है तो आप डायरेक्टली प्रेस नहीं कर सकते, आपने करना क्या होगा, आप शिफ्ट प्रेस करें एंड देन आप 8 को प्रेस करें तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए. अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने किस तरह की कन्वर्जन करनी है, आपने लेंथ को कन्वर्ट करना है, एरिया, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, आपने क्या किसका कन्वर्जन करना है. लेट्स से कि हम यहाँ पे लेंथ की कन्वर्जन कर लेते हैं. सो लेंथ को सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है 1, तो आपने 1 प्रेस करना होगा. अब यहां पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इंचेस से सेंटीमीटर पे जा सकते हैं, आप सेंटीमीटर से इंचेस पे जा सकते हैं. यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप इनपुट दें इंचेस में तो ये आपको आंसर देगा सेंटीमीटर में. इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको इनपुट दें सेंटीमीटर में तो ये आपको आंसर देगा इंचेस में. या आप फीट से मीटर पे जा सकते हैं, इट मींस कि आपको इनपुट देना होगा फीट में, ये आपको आंसर दे देगा मीटर में, एंड सो ऑन. लेट्स से कि हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं विच इज इंचेस टू सेंटीमीटर, तो अब अगेन आप 1 प्रेस करें. अब आपने इसको इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करें. लेट्स से कि मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि मुझे 50 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 50 इंचेस टू सेंटीमीटर. आंसर के लिए आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ गया विच इज 127. इसका मतलब यह है कि 50 इंचेस 127 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. ओके, सो दिस इज वेरी कूल. तो इसी तरीके से जैसे हम इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड आपको जिसकी जरूरत हो. सो लेट्स से हम एक और कोई कन्वर्जन देख लेते हैं यहाँ पे, और इस दफा हम लेंथ की कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम करेंगे किसी और की कन्वर्जन. इसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके आप 8 बटन प्रेस करें, अगेन आपके पास मेन्यू आ गया है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास. लेट्स से कि इस दफा मुझे मास कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे 4 प्रेस करना होगा. अभी आपसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहा है. लेट्स से कि मैं यहां पे ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट कर लेता हूं, तो दिस इज पाउंड्स टू केजी. इसका मतलब ये कि आप इनपुट देंगे पाउंड्स में, आपको आंसर मिलेगा केजीज के अंदर. सो लेट्स से कि मैं पाउंड्स टू केजी सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे 3 प्रेस करना होगा. ओके, अगेन मुझे इनपुट देने के लिए लेफ्ट एरो की प्रेस करना है, तो कर्सर यहां पे आ गया आपके पास. लेट्स से मैं यहां लिख रहा हूं 280. ओके,
280 पाउंड्स को अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, सो इट इज इक्वल टू 127.005872। सो इसका मतलब यह कि 280 पाउंड्स आपके पास किलोग्राम्स में कितना होता है, 127 point something। सो दिस वॉज आर फर्स्ट फीचर विच इज यूनिट कन्वर्जन। तो अब एज पर रिक्वायर्ड आप डिफरेंट कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेकेंड फीचर के ऊपर आते हैं, एंड द सेकेंड फीचर इज साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो दिस कैलकुलेटर हैज अ टोटल ऑफ 47 साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट हैज 47 साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो इसको हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, सो दोबारा से हमें कैलकुलेटर पे जाना होगा। तो अगेन आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर डिस्प्ले हो गया होगा। ओके, अच्छा, इसको अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे एसी बटन प्रेस करना होगा, विच इज ऑल क्लियर। ओके, अच्छा, अब हम यहां पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स की बात हम कर रही हैं। तो 7 बटन के ऊपर लिखा हुआ है CONST। ओके, सो दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट। अगेन ये येलो कलर में लिखा हुआ है, तो इसको आपने सेलेक्ट करने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना होगा, देन 7, सॉरी, आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना होगा एंड देन 7। ओके, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए, यूनिवर्सल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, फिजियोकेम, अडॉप्टेड वैल्यूज, अदर, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। लेट्स से कि वी आर इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। ओके, अगर आपको यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स फाइंड करना है तो आपको 1 प्रेस करना होगा। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। लेट्स से कि मुझे यहां पे एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एच आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है, सो आप क्या करें, 1 प्रेस करें, तो एच आपके डिस्प्ले पे आ गया है, देन इक्वल्स टू, सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एच विच इज 6.626 एक्सपोनेंट -34। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी साइंटिफिक कॉन्स्टेंट की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आप इसको क्लियर करें। अगेन मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यूज पे जाना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगेन आप 7 प्रेस करना होगा, क्योंकि 7 के ऊपर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। अगेन हम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट की बात कर लेते हैं, तो आप 1 प्रेस करें। ओके, अच्छा, इस दफा लेट्स से कि मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, विच इज ऑप्शन नंबर 4। आप 4 सेलेक्ट करें, देन इक्वल्स टू, सो दिस गिव्स अस द वैल्यू 8.854 समथिंग एक्सपोनेंट -12। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये होता है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से हम डिफरेंट 47 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। सो दिस वाज आवर फीचर नंबर 2 व्हिच इज साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स।